हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसमें दोस्तों द केरला स्टोरी मूवी के 16 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी के जान के 30 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं द केरला स्टोरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 5 मई को रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी का बजट की बात की जाए तो इस मूवी को दोस्तों 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था। दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा, योग्यता बिलानी, सोनिया बिलानी अहम किरदार में नजर आई थी। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने दोस्तों पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 20 लाख रुपए कमाई की थी और इस मूवी ने दूसरे दिन दोस्तों 11 करोड़ 20 लाख रुपये इंडिया से कमाए थे। अगर दोस्तों इस मूवी के तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं दोस्तों द केरला स्टोरी मूवी की अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें पहले हफ्ते की, तो इस मूवी में पहले हफ्ते में दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी कमाई करते हुए 80 करोड़ रुपए कमाए थे और इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करते हुए 95 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की बात करें, दूसरे हफ्ते में दोस्तों इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और भी ज़्यादा कमाई की और दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने 96 करोड़ इंडिया से कमाए थे। वहीं दोस्तों इस मूवी ने दूसरे हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और दोस्तों 120 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी के अभी तक के कलेक्शन की बात करें, दोस्तों अभी तक इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 16 दिन हो चुके हैं, तो वहीं दोस्तों 15वें दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी और आज दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस 16वां दिन आज ये दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब दोस्तों 8 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। वहीं दोस्तों इस मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 100 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 192 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों अभी तक मूवी ने 232 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। तो दोस्तों जहाँ इस मूवी को 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था, वहीं दोस्तों इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 192 करोड़ रुपए कमाई कर ली है। ये मूवी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस भी दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करते हुए एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। दोस्तों अब बात करेंगे बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी मूवी किसी का भाई किसी की जान के 30 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस मूवी को फराज सामजी के डायरेक्शन बनाया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी में ईद के खास मौके पर बनाया गया था। अगर दोस्तों इस मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी को दोस्तों 120 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इस मूवी में सलमान खान, पूजा हेगड़े के साथ हमें कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिले थे। अगर दोस्तों इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले दिन 15 करोड़ 81 लाख रुपए इंडिया से कमाए थे और इस मूवी ने पहले दिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ 81 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों इस मूवी ने दूसरे दिन ईद के दिन दोस्तों 25 करोड़ 75 लाख रुपये इंडिया से कमाए थे। अगर दोस्तों इस मूवी के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ 50 लाख रुपए की कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 151 करोड़ रुपये की कमाई की थी। दोस्तों किसी का भाई किसी की जान मूवी के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की बात करें, दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 29 करोड़ रुपए कमाए थे दूसरे हफ्ते में। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी की हम तीसरे हफ्ते के कलेक्शन की बात करें, तीसरे हफ्ते में दोस्तों इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 30 लाख रुपये कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी की अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस 30 दिन हो चुके हैं। वहीं दोस्तों कल देख लेते हैं इस मूवी ने कल 29वें दिन कितना कलेक्शन किया था। तो दोस्तों कल 29वें दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों आज मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 30वां दिन है और आज दोस्तों सैटरडे है तो मूवी के कलेक्शन फिर से बढ़ोतरी देखी गई। आज मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 14 लाख रुपए की कमाई कर रही है। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी की हम टोटल कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 114 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई कर ली है। वहीं दोस्तों अभी तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए 187 करोड़ 35 लाख रुपये की कमाई कर ली है। तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज मूवी साबित है, लेकिन दोस्तों देखते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट हो पाती है या नहीं।